जब एक कस्टमर गाड़ी लेने के लिए निकलता है ना, तो हर तरह से देखता है, हर शोरूम में जाता है, हर तरह से एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद एक गाड़ी चूज करता है। आपका क्या रिक्वायरमेंट है आप समझ लीजिए। मेरे पास रिक्वायरमेंट पहले, सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये था। दोस्तों मैं आकाश कुमार, स्वागत है फिर से हमारे नए चैनल है मोटर्स पे। ये गाड़ी है हमारे अंकुर सर की। तो सर आप सामने आइए, थोड़ा इनसे कुछ बात विचार करेंगे और जानेंगे कि क्या ये गाड़ी क्यों इन्होंने सेलेक्ट किया, और भी रीज़न है, क्या रीज़न थे जो इनको आईटेन लेना पड़ा। सर सबसे पहले आप बताइए कि आप हैचबैक ही क्यों लिए, आपके पास ऑलरेडी पहले भी कार है, कौन कौन सी कार है सर पहले से आप? पहला ऐसा है कि मेरे घर पे ऑलरेडी मारुति है, क्विड है, तो पार्किंग एरिया को देखते हुए ना हैचबैक बेस्ट ऑप्शन लगा, जिसमें एरिया स्पेस थोड़ा सा मेरा 30 फीट 40 फीट तक के लिए बेस्ट, आराम से गाड़ी लग सकती है ऐसा सोच के। सर पहले अपना इंट्रो बता दीजिए। मेरा नाम अंकुर है, मैं हजारीबाग से हूँ और एज एन प्रोडक्ट इंजीनियर एक आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम आ जाते हैं हमारा जो मेन कंटेंट है। तो जैसा कि सर आप वैगनार भी यूज़ कर चुके हैं, क्विड भी यूज कर चुके हैं, तो उनका ड्राइविंग क्वालिटी और इसमें आने के बाद आपको क्या डिफरेंस दिखा? ये मैं एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। है इशू क्या है, 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में अंतर है, वो फैक्ट है, वो चीज़ें कोई डिनाई नहीं कर सकता। रीज़न है 3 सिलेंडर इंजन चाहे कितने ही बैलेंस कर ले, वाइब्रेशन रहता है। 3 सिलेंडर तो 3 सिलेंडर ही रहेगा, उसको बदल नहीं सकते। 4 सिलेंडर में वाइब्रेशन नहीं है, प्लस 1.2 लीटर इंजन है इसका, तो पावर मेरे को अच्छा मिल जाता है। क्विड हो गए या वैगनर हो गए, उनके पावर्स होंगे। वैगनर कभी नहीं ट्राई किया, लेकिन वो पता है 3 सिलेंडर इंजन उतना पावरफुल, जब हिल रोड पे चलते हैं तो उतना कारगर नहीं रहता, क्योंकि क्विड में भी वही चीज़ है। जब मैं एसी पे ऑन चलाता हूँ और पावर एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा पावर मिले, तो गाड़ी थोड़ा लो परफॉर्मेंस शो करने लगता है वहाँ पर। तो उस केस पे ये चीज़ें इस पर नहीं दिखा मेरे को। और सर आपके पास ऑलरेडी जब कार थी, तो फिर आप, जैसा कि मुझे पता है, आप टेस्ट ड्राइव लिए हुए थे नेक्सॉन का, तो फिर सर आप नेक्सॉन बड़ा सेगमेंट में जा रहे थे सर, एसयूवी सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट एसयूवी में, फिर अचानक से हैचबैक में आने का प्लान? नेक्सॉन के साथ हुआ क्या ना, दो चीज़ें मतलब हुआ ऐसा कि गाड़ी अच्छी है, नेक्सॉन बहुत अच्छी गाड़ी है, तो सेफ्टी फीचर में ऑलरेडी सबको पता है, 5-स्टार रेटिंग पर चलता है वो। मेरे साथ इशू क्या था उसका, एक तो एसी जो उसका नॉइज़ है ना, एसी नॉइज़ वो इतना ज़्यादा है, ब्लोअर के साथ अगर चलाते हैं तो बढ़ा के फैन चला के, तो एसी का नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। प्लस स्टेयरिंग जो है लो आरपीएम पे थोड़ा हेवी था, और हम लोग का एरिया जो है वो ज़्यादा मार्केट छोटा एरिया है, हजारीबाग का जो स्पेसेस है जो थोड़ा छोटा है, वहाँ पे इतना स्टिफ हैंडलिंग सही नहीं लगा मेरे को। बाकी हेवी रोड हाईवे के लिए अच्छी गाड़ी हो। दूसरा रीज़न ये भी था, 13 फीट की पार्किंग एरिया, वो एक्सपेक्ट 13 फीट से 15 फीट का एक पार्किंग एरिया एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैं घर में उतना था नहीं। हाँ, तो चूज़ करने का एक और रीज़न ये भी था कि नहीं चूज़। और एक चीज़ सर कि ये हुंडई जो है अपने सर्विस के लिए भी बहुत जाना जाता है, और आपका मेंटेनेंस के लिए, लोग कहते हैं कि इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा आता है, तो उसका ख्याल आपको नहीं आया था? देखिए ऐसा है, अगर आप 10 लाख की गाड़ी लेके चल रहे हैं ना, तो मेंटेनेंस लेके सोच के नहीं चलिए। वो बिल्कुल है सर, बात है ऐसा नहीं है कि नेक्सॉन में चला रहा हूँ और 5000 रुपये खर्चा हो गया तो सोचता रहूँगा कि ज़्यादा ही। फैक्ट यही है कि आप गाड़ी मेंटेन रखोगे, गाड़ी आपको सपोर्ट करेगी, इट इज़ जस्ट अ थिंग। जब आप चला रहे हैं, आपका हेल्थ भी वैसे ही है, आप खुद ही एक हाई मेंटेनेंस आती है, इस तरह गाड़ी भी है। अगर आप सर्विस के हिसाब से देखोगे, मेरे को ऐसा, देखो ये लेने का रीज़न ये भी था कि मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली में, मैं उसका ऑलरेडी आईटेन चलाया हूँ, और जिस तरीके से सर्विस वहाँ की सर्विस सेंटर्स दे रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा पहला तो। यहाँ आपकी रांची की सर्विस कैसी लगी सर? अभी मेरा सर्विसिंग हुआ नहीं है, मेरा ये 700 किलोमीटर्स हुआ है, आफ्टर 300 किलोमीटर मेरा पहला सर्विसिंग जाएगा। सही, देखते हो अभी अभी आप टॉप स्पीड कितना तक इसमें आप चला लिए सर? बहुत ज़्यादा तेज नहीं चलाता, लेकिन 110 विदाउट डिसेंडलिंग चल गया। स्टेबल रहती है। और सर आपकी डिलीवरी एक्सपीरियंस जो था वो कैसा था सर? डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा हुंडई का ना।
स्टेटस तो देखे थे आपका, काफी अच्छे से फोटो वगैरह सब कुछ हुआ था। जो एजेंट थे जो डील कर रहे थे वो काफी हेल्पफुल थे। मेरे साथ थोड़ा सा इशू ये हुआ था कि जो जिनसे मैं डायरेक्ट डील कर रहा था उनका समा एक्सीडेंट हो गया था। तो लेकिन ये है कि हुंडई तुरंत साइन किया एक एजेंट को और वो बहुत ग्रेसफुली इस चीज़ को हैंडल किए। जो भी क्वेश्चन था प्रॉपरली हैंडल हुआ, कोई भी अनमार्क नहीं रहा, तो इट वॉज ओके। मानना पड़ेगा सर हुंडई, क्योंकि आप कभी भी देखें कोई किसी का भी रिव्यू वीडियोस भी अगर आप देखें तो हुंडई का जो कस्टमर्स को लेकर के रहता है काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है। सर गाड़ी खरीदने से पहले लोग कहते हैं कि हुंडई की सभी गाड़ियों में चाहे वो सेंट्रो हो चाहे आइटन हो माइलेज ज़्यादा निकल के नहीं आता, ऐसा हम सुने। माइलेज क्या ऐसा है ना कि अगर मैं नेक्सॉन लेता तो 13-14 राइट, ये ऑन पेपर 18 तक का वो क्लेम कर देता है ऐसे, लेकिन 13-14 से ऊपर मुश्किल है, बहुत ही कम कस्टमर निकाल पाते हैं जो 15 भी बताते हैं। हुंडई की गाड़ी का पहले ऐसा बोलता था, मेरा फ्रेंड भी है वो लिए, उसका भी कभी कभी कम रहता है 14-15 ऐसा देता है। इस गाड़ी का क्लेम किया है 20-25। मेरे हिसाब से ना जैसे मैं बहुत स्टिप चलाता हूँ, मतलब 80 तक मैक्सिमम जाता है, 80-90 बहुत रेयर पे बचना आ गया, बहुत ही वन इन अ लाइफ टाइम ऐसा रहता है कि कभी गया इतना हाइट पे, लेकिन 80 तक में रहता है। और मेरे हिसाब से मैं अभी इसका 20+ एवरेज निकाल रहा हूँ। अभी मेरे को कितना टाइम हुआ, एक बार टैंक फुल किया, टैंक फुल मैंने हाफ टैंक किया था, और यहाँ से रांची या छोड़िए रांची रामगढ़ से यहाँ का डिफरेंस है अराउंड 100 किलोमीटर जाने आने आने जाने का, 100 से हल्का ऊपर ही 120 मान के चलो 120 किलोमीटर्स। और इसका कैपेसिटी है 37 लीटर का, तो जो पेट्रोल का जो कंजम्पशन हुआ है दिखा है मेरे को वो ऑलमोस्ट 3-4 लीटर्स बस। इसमें मैं जाके आ गया तो मेरे को लगता है कि 20+ एवरेज देती है। हाँ सिटी पे जब आते हैं तो कुछ भी हो 18 से प्लस माइलेज निकालना, गाड़ी का माइलेज निकालना ना प्योरली ड्राइवर के ड्राइवर पे, बिल्कुल ये तो मानना पड़ेगा। आप मतलब कोई एक न्यूबी को दे दिए वो बहुत कम निकाले है, क्योंकि वो ज़्यादा रेस देगा, ज़्यादा तेज चलेगा, तो गाड़ी ऐसा है अगर ठीक से अगर आदमी चला है ना तो एवरेज कोई भी गाड़ी का बढ़िया निकाल सकता है। इवन फोर्ड इको स्पोर्ट का मैं देखा हूँ 30+ निकाल के रखे, यूट्यूब पे वीडियोस है उसका। वही अब सब चलाने के ऊपर है, जो जैसा ड्राइव अगर रस ड्राइव करेंगे सिटी में करेंगे तो माइलेज गिरता है, जाहिर सी बात है। और एक हम बात पूछना चाहेंगे सर, अभी के टाइम में इंडिया में ना काफ़ी लोग सेफ्टी को भी बहुत ध्यान में रख रहे हैं ग्लोबल एनकैप का रेटिंग वगैरह से, तो आप जब लेने गए तो आप क्या सोचे सर, आपके पास ऑप्शन थी इसमें, अगर आप हैचबैक में जा रहे थे तो आपके पास टियागो भी थी, आपकी स्विफ्ट भी थी, तो फिर आप इसमें जाने का रीजन सर? ये मेरे को नहीं पता है एनकैप किस तरीके से इसको रेटिंग की है, मे बी सिर्फ क्रैश टेस्टिंग पे दिया होगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अगर इसका आप चेक कीजिएगा ना इतना ख़राब नहीं है जैसे टाटा वैसे आप देख लें कंपैरिजन। अभी आप हाँ उसको डोर वगैरह ओपन करने से भी पता चल रहा है प्लस की हुंडई। दूसरा ऐसा है सेफ्टी फीचर के हिसाब से ऐसा है, अगर मरना रहा तो कभी भी चल रहा है। हाँ वो तो है, नहीं रहा तो गाड़ी तो मैं आराम से चला सर, बस यही कि अगला फिर संभल के चला है। ऐसा है कि मैं अगर चला रहा हूँ जैसे चला हूँ अगला का पता नहीं है ना कब क्या हो सकता है, लेकिन गाड़ी जिस तरह से आपको एक्सपीरियंस देता है ना वो चीज़ बहुत मैटर करता है। आपका हाइट क्या है सर? आपका बाकी आपको सारा कंट्रोल वगैरह इसमें आपको स्टीयरिंग मॉड्यूल कंट्रोल में। कलर सर आपने व्हाइट क्यों नहीं ली, ये तो गंदा भी काफी होता होगा। मतलब पता नहीं क्यों इसमें जब मैं धो उसको अच्छे से साफ करता हूँ इधर से मैं देखिए इधर से आके देखिए इधर से गंदी है क्या सर? और दीवार से भी पूछ नहीं हाँ इधर से तो लग रही है ना, बहुत बहुत प्रीमियम लुक है, वाइट में वैसा फील नहीं हो पाता और कॉमन सी लगती है वाइट। ये कलर जो है ना ये प्रीमियम कलर, इससे बेस्ट कलर नहीं मिल सकता। ये अच्छी बात ये है ना ये लाइट कलर्स का डिफरेंस दिखता है कभी कभी, अगर आप ऐसे देख रहे हो अभी आपको किस कलर होगी, ये तो मुझे ग्रीन समझ आ रही है, डार्क ग्रीन में पूरा। कभी कभी थोड़ा लाइट थोड़ा धूप आता है तो ब्लू कलर दिखेगा, रात में ब्लैक कलर, तो एक अजीब सा लगता है एक अंदर से कि ना जो हैचबैक है प्रीमियमनेस अंदर से। हाँ वो तो बैठने से ही पता चल रहा है सर, बाहर की गाड़ी
ग्राउंड क्लीयरेंस इसमें कितना है सर? जब मैं ले रहा था 170 का क्लीन लिखा था, लेकिन नॉन पे मतलब बहुत सारे वेबसाइट में 165 167 नहीं, तो लग नहीं रहा है 165, क्योंकि आप 170 अगर बताए ना तो 170 ही लग रहा है। गाड़ी में अंदर आ जाइए ना सर, हमको ये समय अभी भी हमको ये दिमाग में डाउट है कि जब आप SUV देख रहे थे, बड़ी गाड़ी, फिर अचानक से छोटी गाड़ी में आने के बाद थोड़ा मन लगता है सर कि कभी नहीं लगता कि थोड़ा बड़ी गाड़ी लेना चाहिए था, कभी अभी तक ऐसा फील हुआ? देखिए स्टार्टिंग में देख रहा था, इवन MG Aster भी देखने की कोशिश किया था, लेकिन उसका ये समहाउ टेस्ट ड्राइव नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा टाइम ही नहीं था शायद से, मे बी, और यहाँ हजारीबाग लोकेशन पे पॉसिबल नहीं हो रहा था। हाँ, तो वो भी ट्राई करने की कोशिश किया है, इवन किगर है वो भी देखने का ट्राई किया था, बट ये गाड़ी एक्चुअली मैं चलाया हूँ, इसमें मेरे को ट्रस्ट हो गया था काफ़ी। फ्रेंड का गाड़ी आपने यूज़ किया हुआ था? हाँ, और उसका गाड़ी जो मेरा फ्रेंड है उसका गाड़ी मैं देखा ना, उसके बाद से i10 को लेके एक अलग ही सा क्रेज था, ऊपर से ग्रैंड i10 ये नियोस जो कलर निकाला ना, ये और ज़्यादा ही कर दिया जी। तो वायरलेस चार्जिंग के लिए सोचने लगेगा वो। ये है कि आपको 8.5 लाख की गाड़ी में भी वायरलेस चार्जर मिल जाती है, आजकल तो 10-12 लाख की गाड़ियों में भी वायरलेस चार्जर हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है बहुत से। एक चीज़ बताइए, अब प्रैक्टिकल है, आप वायरलेस यूज़ करते हैं? सॉरी, एंड्रॉयड ऑटो आप यूज़ करते हैं? कभी मतलब अभी रिसेंट में एक जगह जा रहा था जहाँ पर ज़रूरत पड़ा, तो वायरलेस का अगर रहता तो ठीक है। फ़ोन जैसे क्या है ना कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे यूज़ बढ़ता जाता है। अगर आपका यूज आपके पास चीज़ें नहीं है तो आप उस लिमिटेड यूज़ करते हो, लिमिटेड यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ब्लूटूथ वाला पार्ट है तो आप मोबाइल इधर लेके फैमिली लेके चल रहे हो, पीछे मोबाइल लेके कुछ भी कर रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हो। इसमें क्या है कि तार से आप कनेक्टेड रहोगे चीज़ें तो ये रहता है, लेकिन उतना मैटर नहीं करता, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मेरे को नहीं पर्सनली रहता है कि एकदम। तो सर 8.5 लाख रुपये आपको वैल्यू फॉर मनी लगता है इस हैचबैक के लिए? 8.5 लाख रुपये देना, जो फीचर्स ये दे रहे हैं ना इस प्राइस रेंज में नहीं देता है कोई। अभी आप देखो इस प्राइस रेंज में आपको स्विफ्ट है ठीक, लेकिन उसका एक वेरिएंट कम है, उसमें तो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें नहीं है ठीक। डिज़ाइन भी तो इवन ये नहीं है, पीछे बैक कैमरा, पार्किंग सेंसर है, कैमरा नहीं है, वो चीज़ें हैं ठीक। अभी आप उसको लेने जाओगे तो आपको 9.5 पड़ता है। इवन अभी ठीक है, इस सेगमेंट से हट के जाइए, बलेनो भी जो नहीं आई वो, अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो उस पर भी आपका अल्फा वेरिएंट वो भी बहुत ज़्यादा बजट से, काफ़ी ज़्यादा बजट से बाहर है। पंच आप लेने जाए तो इसी रेंज के लिए, तो मिड रेंज में आता है 8.5 लाख का, 8.5 लाख का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें जो भी फीचर ये दे रहा है लोडेड है फीचर, इसीलिए i10 Grand i10 नहीं, उसका बहुत ज़्यादा ही फीचर लोडेड है, प्लस टाउन सिटी में जो रहते हैं उन लोगों के लिए गाड़ी बेस्ट है। बट ये कि ऊंची गाड़ी जैसे कि आप जैसे बोल रहे थे, अगर पंच हो गई ऊंची गाड़ी, अगर ऊंची गाड़ी में गांव सिटी वगैरह में अगर रहते हैं, जो हम पर्सनली फील किए हैं, तो एल्ट्रोज लेके हम सैटरडे को गए थे गांव में, हमको बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन पंच पिछली बार जब लेके गए थे हमको कुछ सोचना नहीं पड़ता था। गाँव में यही है ना, ग्राउंड वहाँ पे रोड का मतलब अब धीरे धीरे उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्यों गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम बन रहने लगा है, उसके रीजंस है क्योंकि अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन रोड्स भी अब ठीक होने लगे हैं, और कई जगह ठीक हैं भी, इवन अभी टाउन का जो रोड है उससे बेस्ट रोड आपको गांव साइड में कनेक्टिविटी हो चुका है, तो वो ठीक है, तो उतना ज़्यादा इशू नहीं आता। हाँ, अभी अब खेत कूद में चल गए तो 170 काफ़ी है सर, इनफ है, मेरे ख्याल से 170 कहीं नहीं रहेगा आपका। ऑफ रोड अगर चल जाते हैं तो वहाँ आपको केस में है कि आपको थोड़ा सा चाहिए रहेगा। इसका इंजन नॉइज आप चेक करवा दीजिए, ये गाड़ी स्टार्ट अभी नहीं है, कर रहा हूँ ठीक है, विंडोज लॉक है और एसी ऑन, अभी देखिए गाड़ी का हिसाब किताब, इतना स्मूथ इंजन नहीं है सर। एक आ रहा है कि जैसे अभी नॉर्मल हम लोग नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है, जब अगर हाईवे पे अगर जब जाते हैं देख लीजिए इंजन का आवाज़ नहीं है, ये देखिए हैंडलिंग कैसा है, मस्त। क्विड में मेरे पापा को बहुत दिक्कत होता था चलाने में, वो बोलते हैं पीठ दर्द होता है, लेकिन अभी वो अराउंड 200 किलोमीटर घूम के हैं, वो मैं उनसे पूछा आपको फटीगनेस लग रहा है? नहीं, पीछे जो बैठते हैं जैसे पापा पीछे बैठते हो कभी? पापा यहाँ बैठते हैं,
या पीछे ही बैठते, पीछे का भी जो है ना स्पेस बहुत अच्छा है, इतना चौड़ा सी, मतलब ये जो है ना ये वाला पार्ट थाई सपोर्ट इतना सुंदर है इसका, प्रॉपर है ये, ऐसे कोई इशू नहीं आता। इस प्राइस सेगमेंट में और जो गाड़ी है वो रियर रिसीवर नहीं रहता, जो देना चाहिए बहुत जरूरी चीज मेरे को लगता है। एक और चीज था कि इसमें हैंड ये आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन सर जो बताऊँ वो चीजें ठीक भी नहीं रहता। क्यों सर? मेरे हिसाब से नहीं, मतलब आप बैठते हो ठीक है, ये इंडियन मार्केट में लोग गाड़ी में बैठते नहीं, गाड़ी में ठूसते हैं ठीक है, उस टाइम पे दिक्कत आता है, तो आप अगर उसे पीछे है ना तो आपको वो चीजें ना गड़ता है, वो चीजें ना आपको ठीक नहीं लगेगा। अभी वो सब जो ना मर्सिडीज हो गए वो सब, उसमें गिन के ही आदमी दो तीन बैठेंगे तो आराम से फैल के बैठ गया, और उसमें चाय कप पीने के लिए है। लेकिन जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस तरह कल्चर से मैं आता हूँ, वहाँ पे जो चीजें नहीं होता, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा रहता है कि उनको जगह चाहिए बैठने के लिए, ठूसने के लिए, कम से कम ये इस गाड़ी में कम से कम पांच लोग को बैठा। बिल्कुल, मैं जब पूजा कराने गया था, मैं अपनी फैमिली को पांच लोग गिन के यहाँ बैठा, यहाँ पे इनफेक्ट दो आदमी बैठ जाते हैं। तो समय के साथ इंडिया में यही है कि फाइव सीटर बोल के बैठते हैं, बाकी सीटर हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं कितने जन बैठाना है। कंफर्टेबल होना चाहिए, ऊपर से ये देखिए ये आपको बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, एक खास बात है इसमें कि वो ये बहुत ऊंचा नहीं है, तो आराम से आप इसमें पैर रख के बैठ सकते हैं, बच्चे वगैरह तो इजीली बैठ सकते, बड़े भी बैठ सकते हैं। तो ये नहीं रहता। गियर वगैरह कैसा, स्मूथनेस कैसा सर गियर का? देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए गियर क्लच दबाते हैं, आप गियर लगाइए, एक सेकंड, दो गियर है ना, अरे वाह, ऐसा है गियर इतना स्मूथ है ना, गियर तो स्मूथ है सर, एक फिंगर से चलता है ये, तीसरा नंबर गियर, दो नंबर गियर, यूं घूमता है फिंगर पे, तो ये सब चीजें बहुत है। अच्छा ऐसे सर, अभी तक हम आपको इतना दिन से जान रहे हैं, एक चीज़ तो हम समझ गए, आप स्मार्ट बायर हैं, वो नहीं है कि वो ज़्यादा बिक रहा था वो ले लें, वो सब बोल रहा था वो ले लें, नहीं, हम शुरू से आपको नोटिस किए, जब हम टेस्ट ड्राइव देने आपको गए थे उस टाइम ही नोटिस किए, आप स्मार्ट बायर में से हैं, क्या हमको नीड है वो देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद आप चीज़ खरीदते हैं, ये हम आपको देखें। देखिए आप सही बात बताए कि आप 8 लाख 9 लाख रुपीज़ एक गाड़ी पर लगा रहे हो, बिल्कुल आप समझ रहे हो, वो आपका साल भर का सैलरी भी किसी किसी का नहीं रहता, ठीक है, आप तब भी लगाते हो सैलरी उतना रुपए, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बेस्ट चीज़ मिले, ये सब एक्सपेक्ट करता है, लेकिन आपको जो ज़रूरत है पहले जो एक होते हैं ना कि हम लोग MBA कई मास्टर्स ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्लासेस में भी पढ़ता था आदमी लोग, शॉर्ट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट का एक एनालिसिस होता है, उससे कार का भी होता है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप प्रायोरिटी बना लीजिए, मेरे को ये चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें फिट हो रहा है जिस गाड़ी में, फटक से ले लो खत्म, क्योंकि मार्केट में हर गाड़ी एक ही चीज पे बन रहा है, मार्केटिंग का डिपेंडेंस रहता है किस तरीके से वो मार्केटिंग करता है, किस तरह से वो कस्टमर्स को दिखा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, सब उस पे डिपेंड है। अब इसका ऐड देखिएगा, दिल धड़क रहा है, ऐसा वाला ऐड है, वो रिलेट कराता है, समझ गए ना, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है आप समझ लीजिए। मेरे पास रिक्वायरमेंट पहले, सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये था कि मेरी गाड़ी इतनी लंबी लेंथ में होनी चाहिए कि वो पार्किंग में आराम से सेट हो जाए, पहला रिक्वायरमेंट ये था, क्योंकि जब भी आपकी नेक्सॉन आई थी मेरे घर पे टेस्ट ड्राइव के लिए, सबसे पहले आपको देखे होंगे, हमने सबसे पहले चेक कराया था मेरे लेंथ में पार्किंग स्पेस, स्पेस में अट रही है कि नहीं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ा कि ठीक है अभी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, भाई ये गाड़ी तो घुमाना चाहिए जरूर। जो थी बूट स्पेस हम दिखाना भूल गए थे, क्योंकि जब हम लोग खरीदने जाते हैं अगर कहीं भी, अगर इसमें हम लोग 5-6 जन बैठ जाते हैं तो बूट स्पेस भी जरूरी है, अगर 6 जन हम बैठा तो लिए जबरदस्ती करके, नहीं सामान भी हट जाना चाहिए। ये देखिए बूट स्पेस भी इसमें काफ़ी, हमको लगता है 240 के आसपास होगा सर, 260 टू यही इससे अभी और क्या करते हैं और का बड़ा करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता बस। अब बाकी स्पेस उसमें भी सेम रहता बिल्कुल, बस सिर्फ डिकी का थोड़ा बड़ा रहता, उसमें ना CNG वेरिएंट भी आता है, उसमें फिर स्पेस नहीं रहता थोड़ा सा। हाँ CNG थोड़ा बहुत रह गया, वो भी आपको सीट उधर झुका के निकालना पड़ेगा। तो वेल तो हमारे सर थे जिन्होंने, अगर देखिए अगर हम बताते तो नॉर्मल हो जाता कि देखे बता देने सर, जब एक कस्टमर गाड़ी लेने के लिए निकलता है ना तो हर तरह से देखता है, हर शोरूम में जाता है, हर तरह से एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद एक गाड़ी चूज़ करता है। तो सर ने काफ़ी सोच समझ के आइटन को लिया, अगर आप भी कोई कार लेना चाहते हैं तो एक वीडियो को जरूर देख रहे होंगे, और देख रहे होंगे तो आप इनका जो डिसीजन था तो
वो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इन्होंने जो पॉइंट बताए वो भी आप लोग सोच के ही लीजिएगा कि सबसे बड़ा चीज़ रहता है कि गाड़ी में पैसे लगा रहे हैं 8 लाख जैसा कि सर ने बोला, तो सोच के बताइए क्या ज़रूरत है वो लीजिए। मार्केटिंग कंपनी तो कुछ भी बोलेगी आप। मिलते हैं पहले तो वीडियो को यहीं पर करते ख़त्म। सर का एक्सपीरियंस पूरा हम लोगों ने ले लिया, मिलता है फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।